देश के अंतर मन को झिंझोड़ती उत्तर प्रदेश के बदायूं की घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी। विराम। मंदिर गई 50 वर्षीय महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़ी करने वाली है। रिपोर्ट हैवानियत की गवाही देती है। विराम। इससे पहले पुजारी महिला के कुएं में गिरकर घायल होने की बात करके पुलिस प्रशासन को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस ने जिस तरह प्राथमिक स्तर पर कोताही बरती और परिजनों के कहने के बाद दूसरे दिन घटनास्थल पर पहुंची और घटना को गैंगरेप या हत्या मानने से इनकार करती रही, वह शर्मनाक है। विराम। यद्यपि योगी सरकार अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता का दावा करती रहती है, लेकिन निचले स्तर के पुलिस वाले उसके दावे को पलीता लगाते रहते हैं। विराम। देर से ही सही बदायूं के उगेती थाना के प्रभारी को निलंबित करके पुलिस की छवि को हुई क्षति को कम करने का प्रयास हुआ। विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता की पुष्टि होने के बाद गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले के दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, मगर मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है। एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। विराम। यह घटना हमारी आस्था को भी खंडित करने वाली है कि मंदिर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे समाज का यह विश्वास खंडित होता है कि धार्मिक स्थल सुचिता और सुरक्षा के पर्याय है। समाज को अब यह तय करना होगा कि ऐसी आपराधिक सोच के लोग धर्म का चोगा पहना कर अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम न दे सकें। विराम। यह भी तथ्य सामने आता है कि कामांध लोगों की शिकार किसी भी उम्र की महिला हो सकती है। निसंदेह जहां यह कानून व्यवस्था की विफलता का मामला है, वहीं आस्था और विश्वास को खंडित करने का भी बाकिया है। कानून का भय अपराधी मनोवृत्ति के लोगों में न होना कानून व्यवस्था के औचित्य पर सवालिया निशान लगाता है, जिसके बावजूद सत्ताधीशों को गंभीरता से सोचना होगा। पैरा। निसंदेह बदायूं की हैवानियत हर संवेदनशील व्यक्ति के मन को लंबे समय तक उद्वेलित करती रहेगी, क्योंकि इसमें आस्था स्थल की सुचिता को तार तार किया गया है। यह भी इस अपराध को अंजाम देने वालों में ईश्वरीय और कानूनी मर्यादाओं का कोई भय नहीं रहा, जो इंसानियत से भी भरोसा उठाने वाली घटना है। घटनाक्रम सरकार व स्थानीय प्रशासन को सचेत करता है कि धर्म स्थलों में सदाचार व नैतिक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी
उड़ता है कि निचले स्तर के पुलिस कर्मियों को पीड़िता के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए सुप्रशिक्षित किया जाए। यहाँ जहाँ यौन हिंसा रोकने के लिए बने सख्त कानूनों के सही ढंग से क्रियान्वयन का प्रश्न है, वहीं निचले दर्जे के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी प्रश्न है। पुलिस की ऐसी ही संवेदनहीनता हाथरस कांड में भी नजर आई थी। विराम। सवाल यह भी है कि ऐसे मुद्दे जघन्य अपराधों के वक्त ही क्यों उठते हैं। बहरहाल महिलाओं को सशक्त करने की भी जरूरत है ताकि वे ऐसी साजिशों के खिलाफ प्रतिरोध कर सकें। शहरों ही नहीं गांव देहात में भी ऐसी पहल हों और ऐसी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही नहीं धरातल पर आकर आकार लेती नजर आए। विराम। अधिकारियों को ऐसे मामलों को समझने और पीड़िता के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करने की सख्त जरूरत है। विराम। साथ ही शासन प्रशासन की तरफ से अपराधियों को सख्त संदेश जाना चाहिए। संपूर्ण विराम।